अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। तो क्यों छोड़ देते हो? हम तुम्हारे एक ही हैं, तुम्हारे चार हैं, कम से कम। तो पिछले साल ही ये निर्णय हो गया था कि इस साल 1 जनवरी से ऑल इंडिया एससी ओबीसी एंड माइनॉरिटी डॉक्टर इंप्लाई एसोसिएशन होगा और इसी के बैनर के तहत हमने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। और मैं आपको बताऊं कि हर साल परेशानियों को जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, ऑर्गेनाइजर को पता होगा कितनी परेशानियां होती है। हर साल मुझे अकेले मदद करना पड़ता था अपने लोगों से। इस बार जो हमारे साथ ओबीसी और माइनॉरिटी के साथ रहते थे मगर उनमें नया जोश आया, वो हमारे साथ आए और मैं बताऊँ की काफी काम हमारा आसान हो गया। आपके लिए बैनर, मैं बैनर पहले करवाता था, ये बैनर हमारे लिए कुछ मेहनत नहीं करते थे। दो मिनट में हमें उनको बैनर दिया, 2 मिनट में चेंज होता था, 2 मिनट में आपके पास मेल आता था। तो मैं कभी उनकी दुकान पे ले गया, अभी सर साहब आएंगे, रवि साहब मैं मिलवाऊंगा आप लोगों से। तो ऐसा ऐसा इंसान इन लोगों ने हमारे काम को आसान कर दिया। तो हमारे बीच जो अपने ओबीसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं इतने टैलेंटेड लोग हैं कि हम एक दूसरे को जानते नहीं और उनकी संस्कृति को पहचानते नहीं और भटकते रहते भटकते रहते। तो ये जैसे हमें पता चलता है हम लोग एक दूसरे को आपस में जुड़ते जाते हैं। जैसे भगत सिंह जी ने कहा ओबीसी कम्युनिटी से हैं, हमारे केहर सिंह साहब जो हैं ओबीसी, और मैं बताऊँ इस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के यूनियन के लीडर हैं, स्ट्रॉन्ग लोग हैं। तो हमारा काम ऐसे भी आसान होता जाता है कि लोग अगर आपके साथ मजबूत खंभा खड़ा है या आप मजबूत लोगों के साथ खड़े हैं तो काम आसान होता जाता है। काफी कम हो गई और मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगले साल तो और आसान हो जाएगा। हमें नए साथी जो यूपी डॉक्टर अनवर साहब मिले, एक साथी युवा और दिखाऊ जो नए एसोसिएशन है उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, काफी लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी से अभी सलीम साहब नहीं आए हैं, सकी साहब आए हुए हैं और करीमी साहब और सलीम साहब अभी आने वाले हैं और भी काफी भाई आए हुए हैं। और तो इन लोगों के साथ आने से काफी आसान होगा। आज का जो आयोजन है मैं बताऊँ अपने वक्ताओं का परिचय करा दूँ, ज्यादातर लोग जानते होंगे। तो मैं कहीं कहीं कार्यक्रमों में जाते रहता हूँ, मुझे बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ तो मैं नए लोगों को देखता हूँ, मैं सुनता हूँ कि नहीं इनकी इनके काम को हमारे लोग भी जाने, हम भी इनसे सीखें और ये हमें भी कुछ सहयोग करें। तो मैं अक्सर जाता रहता हूँ तो किसी कार्यक्रम में मैंने सर के बारे में जयपुर महमूद साहब के बारे में सुना, मैं इतना प्रभावित हुआ। SIRS ऑफिसर जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स और इन्होंने वायरस लेने के बाद अपने माइनॉरिटीज को मुस्लिम भाइयों के लिए भारत में नई दिल्ली में सिविल सर्विस की कोचिंग चलाते हैं। और जो लोग जानते होंगे तो उनको पता होगा 2019 का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें इनके कोचिंग से 12 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर काम करें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, क्योंकि हमारे शेड्यूल कास्ट में पैसे भी हैं, टैलेंटेड भी हैं और सब दिखाओ है, कुछ एक जगह है नहीं। और कुछ लोग कर रहे हैं जिसमें हमारे बालक कलाम बहुत सारे समाज सेवी हैं, वो कौशाम्बी में लगे और हमें कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उसको अच्छे स्तर पर सर से कुछ सलाह ले के हम लोग मिलजुल के करें। मैं जाता रहता हूँ प्रोफेसर देव सुकुमार, मैं बताऊँ सबके सबके आने में थोड़ा सा मैं नहीं जान रहा था। हमें काम वाले, हमें विद्वान लोग चाहिए जो हमारे समाज को मार्गदर्शन करेंगे, दिशा दिखाएंगे।
हो, किसी कॉलेज का टीचर हो, तो तुम ये बताओ कि कितने दलित हो, किसी स्टूडेंट को तुमने हेल्प किया, मैं उसके घर तक जाके पता करूंगा स्टूडेंट को तुमने हेल्प किया, यानी सवाल में आके भाषण करते हो, ऐसा बहुत कम लोग हैं। तो मैंने प्रोफेसर एन सुकुमार का हम लोगों ने चयन किया, सर्वसम्मति से सबका चयन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसने हमारे इन्वेस्टमेंट को स्वीकार किया और आज हमारे बीच में है, हमारे बीच में चयन किया है। मैं एक्चुअली हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं, धनदेव जी लोगों को सुनते हैं, हमारे बीच में चयन किया, मैंने इनको मंत्री जी के घर पर सुना, इतने विद्वान भक्त बीच में चयन जी, भक्त विमल जी, भक्त जी हैं, तो मैंने इनसे आग्रह किया और दूर से यूपी में जब उसी में मैं आ गया कि भक्ति जी आपको आना है, तो इन्होंने ये वादा किया कि नहीं मैं डॉक्टर साहब तुम्हारे यहाँ आऊँगा, मैं भक्ति जी आपका आभार प्रकट करता हूँ। और मैं विशेष नहीं बोलते हुए मैं हमारे कॉलेज से हमारे हॉस्पिटल के जो माइनॉरिटी ओबीसी और SC ST और दूसरे लोग भी हैं, तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, इतना सारा सहयोग मिलता है। आप इस अस्पताल में कभी भी जो बाहर से भी हमारे बंधु आए हैं, मैं उनको बताऊँ कि आप इस अस्पताल में आप आइए, आपको 24 घंटे मदद मिलेगी, आप कभी ये शिकायत नहीं कर सकते कि आपने फोन किया फोन नहीं उठा, फोन कभी नहीं उठेगा हमारा जब मैं ओटी में होऊंगा, जब मैं कहीं होऊंगा, नहीं तो फोन आपका उठेगा, चाहे मैं उठाऊँ चाहे हमारा GR उठाए, SR उठाए, कोई ना कोई उठाएगा, आपको सारी मदद मिलेगी। हमारे डॉक्टर संदीप बैठे, CMO बैठे, मैं कभी भी घर पे 2 बजे रात में रहता हूँ, फोन आता है तो गाजियाबाद से भी डॉक्टर साहब सिलेक्ट हो गया, मैं फोन करता हूँ, मैं CMO कौन है, मैं इनको कहता हूँ डॉक्टर बोलते सर आप भेज दीजिए। तो हम लोगों ने आपसी सामंजस्य यहाँ पे इतना बना रखा है कि मैं जब 2012 में दिल्ली आया, दिल्ली के अंदर डॉक्टर जो है अपने कर्मचारियों से अपने नर्सिंग स्टाफ से बात नहीं करते, इस परंपरा को हमने यहाँ पे तोड़ा है और हम लोग सब बीच से आने वाले वर्षों में मैं उसको बोलूंगा कि ये परंपरा
जमीन पे बैठ के एक डॉक्टर एक स्वीपर एक डॉक्टर एक नर्स ऐसे खाते थे। तो समय भी हमें हम लोग को आग्रह किया था कि भाई ऐसा रखना होता था खाने का कि एक मुस्लिम भाई हो एक उसके बगल में हिंदू भाई हो और ऐसे जो है ये बहुजन वाली परंपरा है। तो किसी वजह से सर संभव नहीं हो पाया कि कार्यक्रम को आयोजित करने में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मगर आने वाले समय में ऐसा हम लोग आपकी इस जो आपका निर्देश था उसका पूरा पालन किया जाएगा। आज के इस प्रोग्राम पर जो हमने बड़ी डिस्कशन की सब्जेक्ट रखा है, मैं चाहूँगा कि जो हमारे वक्ता हैं जो आएंगे उसमें उसमें फोकस करें। पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा है देश के हालात बहुत तेजी से बदले हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, विवाद खड़ा नहीं करना चाहता। तो आज का जो सब्जेक्ट है दलित और मुस्लिम की मुस्लिमों के सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक और राजनीतिक इनकी इनकी सिमिलरिटीज है, इनकी समानताएं और चुनौतियाँ चुनौती भी एक ही है और उसका निवारण है। दलित दलित सब्जेक्ट है, दलित में एससी एसटी समझ लेते हैं, दलित एससी एसटी ओबीसी होते हैं। तो जो दलितों की समस्या और मुस्लिम भाइयों की समस्या मैंने की जो समस्या है एक जैसी है, उसका निवारण भी एक जैसा है, तो हमें साथ बैठना होगा। मैं आपको बताऊँ की बहुत खुशी की बात है कि ऊंचे जो ऊंचे अहदे पे लोग हैं वो लोग एक साथ बैठना एक साथ सुनना शुरू कर दिए, मगर ये बीच वाली क्लास जो है या थोड़ा उससे नीचे वाली क्लास है अभी भी कहीं किसी अंधविश्वास में लोग फंसे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग भी आए उस सब्जेक्ट पे बोले कि क्या प्रॉब्लम्स हैं सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक और राजनीतिक और उसका क्या निवारण है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।